Hey everyone, welcome back to my channel. So, ये है मेरा new vlog. और guys, आज के दिन की शुरुआत मेरी सुबह हुई थी 9 बजे. बहुत लेट उठी थी क्योंकि कल मैंने आपको व्लॉग में बता दिया था कि थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ है, जिस वजह से मैंने कृष्णा जन्माष्टमी भी सेलिब्रेट नहीं किया. अच्छा खासा प्लान किया था, सारा प्लान कैंसिल हो गया. बट आज है दही हंडी वाला दिन और हर तरफ इतना अच्छा माहौल है ना. मैं अभी जिस नए जगह पर आई हूँ ना, यहाँ इतना अच्छा लग रहा है ना गाइस. बट मैं बाहर नहीं गई हूँ अभी तक के, और आज प्लान है थोड़ा बाहर जाने का. वैसे तो ऑफिशियली आज रेवन को छुट्टी थी, बट उसको काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आज उसे वर्क करना ही पड़ रहा है. तो उसका आज वर्किंग डे वैसे नहीं था, तो आज इस बार ना लॉन्ग वीकेंड आ गया था. तो हम लोग ने प्लान किया था कि इस लॉन्ग वीकेंड में हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, बट अर्जेंट काम होने की वजह से ना, तो काम को प्रायोरिटी देना पड़ता है, कहीं जा ही नहीं पाते हैं. तो बस यही, रेवन अपना ऑफिस का काम पे लग चुका है. अब मैं अपने घर के कुछ काम जो होते हैं वो कर रही हूँ. नाश्ता हम लोग का हो चुका है, मैंने कपड़े धुलने के लिए रखे थे वो भी धुल के हो गए हैं, वॉश हो गए हैं. अभी मुझे बस उसे ड्राई करने के लिए रखना है और थोड़ा लंच प्रिपेयर करना है. लंच में आज बहुत सिंपल सा होगा, खिचड़ी होगी. और शाम को देखते हैं आज का क्या प्लान बनेगा. तो चलिए सबसे पहले जो कपड़े हमने धो के रखे हैं उसे ड्राई करने रखते हैं, सुखाने डाल देते हैं. देख सकते हो मंदिर को बहुत अच्छे से फूलों के हार से सजाया है, तो सोचा आपको दिखा दूं और आप हमारे घर के मंदिर के भी दर्शन कर लो. तो गाइस कपड़े तो सुखा के हो चुके हैं, अब बज रहा है 1:30 का टाइम हो रहा है दोपहर का. अब लंच प्रिपेयर करते हैं. आज के लंच में सिंपल खिचड़ी है, तो अभी किचन में जाती हूँ और खिचड़ी बनाती हूँ. रेडी हो चुकी है, आपको दिखा दूँ. अच्छे तरीके से पक चुकी है, मसाले वाली खिचड़ी मैंने बनाई है. तो चलिए अभी खा लेते हैं इसे. तो गाइस थाली में मैंने निकाल ली हूँ खिचड़ी. तो ये है मेरी लंच की थाली, मसाले वाली खिचड़ी अचार के साथ खाने वाली हूँ. सो गाइस रेवन तो घर पे ही है आज, तो उसे भी ये थाली दे देते हैं. यानी मैंने मेरे लिए ये थाली बनाई थी, बट मैं अब उसे दे देती हूँ. सो बॉस मे आई कम इन? यस कम इन. ओके, तो रेवन इज हियर. खिचड़ी. सो टेस्ट करके बताओ रेवन फटाफट से कैसी बनी है. खिचड़ी अच्छी बनती है, कोई भी बना दे. मैंने बनाई है, अच्छे से बताओ. अच्छी बने बना ला खिचड़ी, कोई भी बनाए अच्छी ही बनती है. खिचड़ी चीज ऐसी है. अच्छा, तो एक्चुअली ये थाली मैंने अपने लिए बनाई थी, बट मुझे बाद में याद आया आप लोग को दिखाने के बाद कि अरे रेवन तो आज घर पे ही है. वैसे तो जनरली कभी कभी ऑफिस चले जाता है, बट आज ये घर पे ही है. तो मैंने कहा सबसे पहले बंदे को दे देते, बाद में अपनी पेट पूजा करते हैं, तो इससे पुण्य मुझे ज्यादा लगेगा क्योंकि मैंने अपना सैक्रिफाइस करके तुम्हें थाली दी. तो चलो आप इंजॉय करो आपका मील. yes. मैं मेरा लंच लेके आती हूँ. ओके, और बाहर देखो बारिश होने लगी है गाइस. गाइस लुक, ओ नहीं दिख रहा है कैमरे में, इतना अच्छा नहीं, बंदी हो गई. देखिए गाइस बाहर बहुत बारिश हो रही है, मस्त मौसम बना हुआ है इस टाइम पे. सो फाइनली रेवन फ्री हो चुका है गाइस, और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल. रेवन की कुछ जो वॉच है ना ये बंद पड़ चुकी है, तो इसमें सेल और कुछ रिपेयर के लिए देना है. तो रेवन गया है नीचे, मैं भी जाती हूँ फटाफट से नीचे. अब मिलते हैं हम डायरेक्टली मॉल में. तो
पैसा बच गया। ज्यादा बेटर लग रहा है, यही वाला था क्या? हाँ वही है। श्योर है भैया? आपने टाइप करवाया है क्या? नहीं मैं कर रहा हूँ, यही वाला है। मैं तो खुद भी नहीं ले लूँगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो के 12:30 का टाइम कुछ हो रहा है, मैंने घड़ी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बट हाँ 12 के ऊपर ही हुआ है और बहुत लेट हो गया क्योंकि जाते वक्त ना दही हंडी का जो प्रोग्राम चलते रहता है और इधर इस एरिया में तो भाई मुंबई में तो बहुत जोरदार दही हंडी मनाते हैं, तो आपने देखा ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक लगा हुआ था, काफ़ी लेट हो गए थे। जब मॉल गए तो मॉल बंद हो चुके थे और फिर अभी तो हम लोग डिनर वगैरह सब करके ही घर पे आए हैं आज, सो इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया, बारिश भी बीच बीच में मिल रही थी, तो इन सब कारणों से ना आज का दिन जो है, बट आज का दिन अच्छा रहा। बस रेवंत का जो ऑफिस का काम था ना वो थोड़ा जल्दी हो जाता ना तो हम लोग मॉल वगैरह में जाके कुछ शॉपिंग कर सकते थे अच्छा खासा, बट अभी सिर्फ हम लोग ने शेड्स खरीदे, आपने तो देखा ही है बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, बट सारे जो शॉप्स थे ना वो बंद होने वाले थे, तो कोई ना अगली बार चले जाएंगे, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो अच्छे अच्छे जो आज मुझे कपड़े अच्छे लगे वो दोबारा मिल जाए। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन गाइस, वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ आप लोग लाइक करने के लिए इतना कंजूसी करते हैं ना, जितने मुझे व्यूज आते हैं ना उस हिसाब से मुझे लाइक्स ही नहीं आते हैं, तो गाइस ये गलत है ना। अगर आप मुझे देखना पसंद करते हो तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।